हाय हेलो फ्रेंड, आज हम आपको पिज़्ज़ा पराठा बनाना बताएंगे जो बहुत ही टेस्टी होता है, बच्चों को बहुत पसंद आता है। इसके लिए हमें कुछ ज़्यादा सामग्री की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके लिए हमने छोटे छोटे कट करके पनीर के टुकड़े लिए हैं, प्याज लिए हैं और शिमला मिर्च लिए हैं और ये चीज़ लिया है। अगर आपके पास चीज़ ना हो तो आप चीज़ स्किप भी कर सकते हैं। चीज़ को कट करके उसके बाद सहजवान चटनी है, ये सहजवान चटनी और मेयोनीज़, ये दोनों डाल के हम अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको। ये सभी चीज़ें डालने से बहुत टेस्टी हो जाता है, इसमें कुछ और करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद ये हमने टोमेटो सॉस डाल दिया है और ये सभी चीज़ें डाल के हम अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद हमने आटा गूंद के, जिस तरह पराठे का आटा गूंदते हैं उसी तरह गूंद दिया है। ये आर्गेनो है, मैंने इसको आर्गेनो भी डाल लेते हैं और जो है चिली फ्लेक्स डाल लेते हैं। और इस तरह से हम पराठे का आटा गूंदते हैं उसी तरह गूंद के इसको हम रोटी की तरह बेल लेंगे। उसके बाद बीच से कट कर लेंगे। उसके बाद हम इस तरह से जो हमने मिक्स करके रखा हुआ है पनीर का, उसको भी इसमें हम स्टफिंग डाल देंगे और इस तरह से फोल्ड करेंगे। आप चाहें तो एक फोल्ड भी कर सकते हैं, मैं इस तरह से इसके तीन फोल्ड करूँगी। और ये इसको थोड़ा सा ऊपर से हल्का सा पुश करके, आप चाहें तो बेलन से बेल लीजिए, नहीं हाथों से ही पुश कर लीजिए। और उसके बाद इसको जो है हमारा जो है तवा गरम है, उसके बाद इसी में हम दोनों साइड में पलट के घी लगा के जिस तरह पराठा सेकते हैं उसी तरह से सेक देंगे। और इसको हमारा पराठा तैयार है। इसको चाहे बच्चों को लंच बॉक्स में दीजिए, बच्चों को वैसे भी खाने दीजिए, बच्चे बहुत टेस्टी उन्हें लगता है और खाते हैं, बहुत पसंद आता है। पिज्ज़ा जो है नुकसान भी करता है और ये नुकसान भी नहीं करता है, क्योंकि इसमें सारी हेल्दी चीज़ें पड़ी हुई हैं, घी पड़ा हुआ है, घी तो और ही टेस्टी होता है, हेल्दी होता है। तो इस तरह से हमारा तैयार है पिज्ज़ा पराठा। इसको बना के ज़रूर खाइएगा, अपने बच्चों को दीजिएगा और लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करिए। और इसको बना के ज़रूर खाइएगा, एक बार ट्राई करिएगा, कमेंट में ज़रूर करिए कैसे अच्छा लगा पराठा जो बना है, वो कैसा लगा है आपको। मैं फिर आऊँगी एक नई रेसिपी।